दोस्तों ये कूलर की मोटर है जो जाम हो रही है अंदर से, लाइन देने पर ये जाम हो जाती है और बों बों की आवाज़ करती है। तो आज हम इसको खोल कर देखते हैं कि ये जाम क्यों हो रही है, कहीं इसके बुश तो नहीं ख़राब हो गए, बुश घिस गए हो गए तो ये रोटर फील्डों में चिपक रहा होगा। तो हम इसको अंदर से आपको खोल कर दिखाते हैं दोस्तों, देखते रहिए आप। ये बड़ी वाली मोटर है कूलर की और ये इसका बैक साइड का कवर ओपन करेंगे, इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ होता है दोस्तों। तो हम आपको इसको खोल कर दिखाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके बैक कवर को स्क्रू ड्राइवर से खोल कर इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा स्क्रू खुल चुका है, अब इसका ये कवर है, इसको खींच कर बाहर निकालना है। इस वायर को अंदर धकेल कर इसके कवर को हटाना है और इस वायर को वापस इसके अंदर से खींच कर पूरा बाहर निकालना है। दोस्तों हमने इसके कवर को निकाल दिया है, ये अंदर से ऐसा है, देखिए दोस्तों। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। इसके बैक साइड में ये 4 MFD का कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी हम हटाएंगे। अब इसके ये जो 8 नंबर के नट लगे हुए हैं, नटों को खोलकर मोटर को ओपन करेंगे। तो मैं इनको इन नटों को खोलकर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमने 8 नंबर की टी ले ली है, अब इससे हम इस नटों को खोलेंगे दोस्तों। पहले इसकी ये बैक कवर की पत्ती को हटा देते हैं, इस पर भी डबल चाकियां लगी हुई है। पत्ती निकल गई, इसको भी साइड में रख देते हैं। ये कैपेसिटर की एक्स्ट्रा चाकी लगी हुई थी, ये तो मुंह तो टूट गया इसका, यहाँ पे कसा हुआ था, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। एक बार इस साफर को देख लेते हैं कि इसके ऊपर जंग है, तो रेजमाल से साफ कर लेते हैं और फिर इसके नटों को खोल कर इस कवर को निकालेंगे, तो ये इसके अंदर घुस फंसेगा नहीं। तो पहले इस नटों को खोल देते हैं। तो दोस्तों हमने इसके चारों नटों को खोल दिया है, अब इनको आगे से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों हमारे सारे नट खुल चुके हैं, अब एक भी नट नहीं है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, आगे के कवर को और पीछे के कवर को। तो थोड़ी सी इस पर हमें चोट लगानी पड़ेगी हथौड़ी से।
देखिए दोस्तों हमारा मोटर खुल चुका है। ये देखिए दोस्तों ये रोटर अंदर रगड़ खा रहा था बैक साइड में। ये देखिए ये रगड़ खा रहा था दोस्तों, तो हमारा ये रोटर बैक साइड में रगड़ खा रहा था। इसका मतलब इसका बैक साइड का बुश घिस गया है, इस वजह से ये रोटर सेंटर में रगड़ खा रहा है। तो अब इसको हम एक बार बैक साइड के कवर को भी खोल के देखेंगे और आगे का बुश हमारा ठीक लग रहा है। इसमें तो पहले नहीं है दोस्तों, ये देखिए इसमें आगे वाले बुश में पहले नहीं लग रही है, बिल्कुल फिटम फिट है, इसमें नहीं है। इसको निकाल के हम साइड में कर लेते हैं, ये बुश हमारा एकदम सही है। तो दोस्तों इसका बैक साइड वाला ही बुश ख़राब है। तो अब बैक साइड के कवर को भी हम इसमें से हटाएंगे और ये हमारी सापट है इसको हम क्लीन करके देख लेते हैं बैक साइड से कि यहाँ से कटी हुई तो नहीं है। तो दोस्तों ये भी थोड़ी सी कटी हुई है, लेकिन इसको हम ओवरसाइज बुश लगा कर घिसाई करके यहाँ पे सेट करेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार बुश लाकर चेक करता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये बुश पड़े हैं, इन बुशों को हम इस सापट पर लगा कर देखते हैं, जो इसके ऊपर एकदम टाइट आएगा वो रख लेंगे, लूज नहीं आना चाहिए, टाइट होगा उसको हम इस सापट को रेजमार्क घस के एकदम स्मूथ सेट कर लेंगे। लूज नहीं रखना है, लूज रखेंगे तो वापस इसमें चाल पड़ जाएगी। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा ओवर साइज का बुश है और ये इस पर एकदम टाइट आ गया। ये देखिए दोस्तों एकदम टाइट है, अब इसमें चाल नहीं है दोस्तों। तो हम इस बुश को सेट कर लेंगे, उससे पहले इस बैक कवर को निकाल के वो पुराना बुश रिपट लगी हुई है, रिपटे लगी हुई है यहाँ पर ये बैक साइड में, तो इन रिपटों का हम कटिंग करके बाहर निकालेंगे और उस बुश को चेंज करके ये नया बुश बैठा देंगे। दोस्तों हमारे पास ये और बुश पड़े हैं, ये देखिए दोस्तों बुश हमारे पास पड़े हैं। ये थोड़ा लूज आ रहा है, लूज वाला नहीं रखना है, ये एकदम टाइट है। तो दोस्तों हमारा ये दोनों बुश एकदम इस पर फिट बैठ रहा है, टाइट आ रहा है। तो हम इस टाइट वाले बुश को लगा के बाकी के बुश हम इसमें साइड में रख देते वापस, हमारा ये बुश एकदम अच्छे से फिट आ जाएगा। तो पहले हम इसके कवर को निकाल के आपको दिखाते हैं अंदर वाले बुश को। तो दोस्तों हम इसके बैक कवर को निकाल के दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा जाम इसको चोट लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों निकल चुका है। अब इसके जो वायर है इन वायरों पर एक पे कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कैपेसिटर को हम यहाँ से तार हटाएंगे और इस वायरों को तो ये देखिए दोस्तों हमने कैपेसिटर को हटा दिया, इसको भी साइड में रख देते हैं। अब हमारा तार वायर फिट हो चुका है, अब ये कैपेसिटर का और ये मेन वायर, तो दोस्तों हम इसके अब कवर को निकालते हैं धीरे धीरे, वायरों को अच्छे तरीके से देख कर निकालें आप, कौन सा वायर कैसा लगा हुआ है आप ध्यान से देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारी मोटर वायर में से बाहर निकल चुकी है, देखिए दोस्तों। तो हमारी ये बैक साइड का ये बुश है अंदर से, ये देखिए दोस्तों आपको होल बड़ा हो गया इसका दिख रहा हो तो, इसमें मैं आपको रोटर को डाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों काफ़ी चाल है, ये देखिए दोस्तों इतनी चाल है कि ये रोटर अंदर से रगड़ खा रहा है। तो अब इस बुश को हम बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने के लिए इसके अंदर ये रिपटे लगी हुई, इन रिपटों को हम कटिंग करके तोड़ के बाहर निकालेंगे, फिर इसमें नए बुश को सेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी रिपटे निकालने के लिए एक इस टाइप का ये गोल एक्स निकल पड़ा है हमारे पास, ये ले लिया है। और अब हम इसको इस तिक्के नुकीले बनने से हम इसको यहाँ पर चोट मार के इन रिपटों को बाहर निकालेंगे दोस्तों। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो नीचे इसका मुंह ऐसे सेट करना है कि ये रिपट इसके अंदर रह जाए, ये देखिए दोस्तों ये बाहर निकल रही है। थोड़ा सा थोड़ा भारी लेते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारी एक रिपट निकल चुकी है, ये रही। इसी तरह से हमें सारी की सारी रिपटें निकालनी है।
और मैं आपको सारी रिपोर्टों को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे बुश को बाहर निकाल दिया हमने, ये देखिए दोस्तों, और ये स्प्रिंग है। इसमें कस्टमर ने बाइक का जला हुआ ऑयल डाल डाल के इसकी हालत ख़राब कर दी है। एक 97 नंबर है इसके, 198। ये स्टैंडर्ड बुश है और हम डाल रहे हैं ओवर साइज का बुश है दोस्तों। इसके ऊपर नंबर बरोबर दिख रहा नहीं है आपको, कोई नहीं, अपने तो फिट आना चाहिए। अब ये बुश देखिए आप साइड में से कितना घिसा हुआ है, मैं आपको सापड़ पे डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा घिस चुका है, इतनी पहले है इसलिए ये मोटर जाम हो रही थी। तो अब हम इस पर नया बुश फिटिंग करेंगे और पहले इसको साफ सफाई कर लेते हैं। ये इसका नपता किट है, इसमें ऑयल भरकर लगाना पड़ता है, इससे ये मूवमेंट आराम से करता है। तो हम इसके जो अंदर कचरा है उसको साफ कर लेते हैं, ऑयल वगैरह चिपका हुआ है। पूरा ग्रीस टाइप ग्रीस हो चुका है ब्लैक, इसको पूरा क्लीन करके। और ये देखो, ये कस्टमर ने इसमें हॉल करके बैक साइड से ऑयल दिया था, तो ये हॉल को भी हमें ठीक करना पड़ेगा क्योंकि अंदर बुश मूवमेंट करता है, तो इसकी वजह से ये अटक रहा है बुश। तो इसको हॉल को हमें वापस ठीक करना है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ हथौड़े से मार के, और फिर इसमें नए वाले बुश को इस तरीके से सेट करना है दोस्तों। इसके ऊपर नपता किट और फिर स्प्रिंग लगेगी और फिर इसकी रिपटे वापस जैसे लगी हुई थी उस तरह से लगेगी। दोस्तों इस बुश को लगाने के लिए हमारे पास रिपटे ख़त्म हो चुकी थी, तो हम इसको जुगाड़ करके यहाँ पर हम नट कसने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, हम इन नटों को कसेंगे और इनके साथ में ये छोटे छोटे वाइसर भी लगाएंगे दोस्तों। तो वाइसर और नट कस के इसको सेट करेंगे, तो ये रिपोर्ट जैसे ही काम करेगा और आगे भी इसको लगाने के लिए आराम रहेगा कि नटों को खोल कर हम आराम से बुश चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको इस बुश के ऊपर नब्दा किट लगा के फिर स्प्रिंग लगेगी। ये नब्दा किट हो गया, इसको भी हमने साफ़ कर दिया एकदम पूछ के। अभी हमारी स्प्रिंग हो जाएगी इसके ऊपर, स्प्रिंग हो जाएगी और स्प्रिंग के ऊपर ही हमारा कवर आ जाएगा। तो इसमें हम आमने सामने का एक एक नट कस के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम इन नटों को आपको कस के दिखाते हैं। इस नट को कसने से पहले एक वाइसर लगा दे, ये हो गया, और नट को आपको बाहर से अंदर डालना है।
अब इसके ऊपर हल्के ऊपर इसको सेट करके चाकी कस देनी है। तो मैं इसके ऊपर एक चाकी कस देता हूँ। दोस्तों हमने एक चाकी को अटका दिया यहाँ पर और बाहर की साइड में हमने वाइसर लगाकर इस नट को कसा है ताकि मजबूत रहेगा। अब एक और नट ले लेते हम और इसको भी वाइसर लगाकर बाहर की साइड से अंदर डालेंगे। वाइसर डाल दिया। थोड़ी सी स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग जोर लगा रही है, तो हमें इसको दबा के चाकी आराम से कसनी है। तो दोस्तों हमने चाकी को कस दिया है, अब इसको स्क्रू ड्राइवर से हम इसको कसते हैं टाइट। ये देखिए दोस्तों हमारा नट टाइट हो चुका है, अब सामने वाला भी नट टाइट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये भी फुल टाइट हो चुका है और बाकी के सारे नटों को हम कस देते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सारे नटों को एकदम टाइट कस दिया है स्क्रू ड्राइवर से। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रू अंदर अड़चल तो नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये अड़चल नहीं करने वाले हैं क्योंकि सापट के बैक साइड में ये कैप लगी हुई होती है और इसके आगे वाइसर वगैरह लगे होते हैं, तो इसमें काफ़ी डिस्टेंस होता है। ये देखिए दोस्तों मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, तो इसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस है दोस्तों और ये नट कम से कम 1 इंच दूर है इस रोटर से, तो ये हमारे कोई अड़चन नहीं करने वाले हैं। और हम इसको फिट करने से पहले यहाँ पर बारीक रेजमाल से इसको घसाई करके यहाँ पर जो भी अटकने हैं उनको एकदम स्मूथ कर देना है ताकि ये बुश हमारा नया डाला हुआ है उसको ख़राब ना कर दे। तो इसको घिसाई हल्के हाथ से करके आपको इसको एकदम क्लीन करना है और एकदम स्मूथ कर देना है क्योंकि ये बुश हमारा हार्ड है, पावर साइज बुश है, तो इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे हम घस के, फिर इसमें सेट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये बारीक साइज का बिल्कुल 0 नंबर का ये रेजमाल पेपर ले लिया है जो वाटर प्रूफ है, इससे हमें इस पर पकड़ के इसको खींच देना है एकदम हल्के हाथ से खींचना है। घिसाई करने से क्या होगा कि हमारा बुश नया डाला हुआ है वो घिसेगा नहीं क्योंकि इस पे खुरदरा हो गया था, तो खुरदरे की वजह से ये बुश जल्दी ख़राब हो सकता है, तो इसकी वजह से हम इसको घिसाई करके एकदम स्मूथ कर लेंगे और खुरदरे को एकदम सेट करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने एकदम इसको घिस के एकदम स्मूथ कर दिया है, अब ये कहीं से भी अटक रहा नहीं है, एकदम फिसल रहा है। ये देखिए दोस्तों तो अब हम इसको सेट करेंगे और इससे पहले हमने जो नटों को कसा है इस कवर में, इन नटों के ऊपर हम ट्यूब चिपका के इनको फिक्स कर देंगे ताकि ये वाइब्रेशन के समय ये चाके खुले नहीं, लूज नहीं पड़े। तो इनके ऊपर हम स्क्रू लगाकर आपको दिखाते हैं, सॉरी इसके ऊपर क्यू फिक्स लगाकर दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये हैवी बॉन्ड है, इस हैवी बॉन्ड को हम इन स्क्रूओं की चाकियों के ऊपर लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे ये चाकियाँ लॉक हो जाएगी और ये बाहर नहीं निकलेगी, लूज भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, फिक्स हो जाएगी। आओगे नहीं तो दोस्तों अभी फटाफट हम इस मोटर को फिटिंग कर देते हैं। हमने घसाई वसाई करके सापट को क्लीन कर दिया है आगे से पीछे से, इसमें हमने 2 वाशर को एक्स्ट्रा डाल दिया है, थोड़ी सी पल्ले ज़्यादा थी तो हमने इसमें फाइबर वाशर को डाल दिया है और हमारे बुश भी कंप्लीट हो चुके हैं। इस पर हमने बॉन्ड फिक्स वगैरह लगा कर इन चाकियों को जाम कर दिया है, अब ये चाकियाँ नहीं खुलेंगी। सक्सेस भैया। तो दोस्तों हमने आगे का कवर लगा दिया है और ये स्टेट डाल के सेंटर मिला दिया, इसके हॉल मिलने चाहिए। अब इसमें हम इस रोटर को ऑयल वगैरह लगा के डाल देते हैं, ऑयल नया लगाना है दोस्तों, पुराना नहीं होना चाहिए नहीं तो इसके बुश ख़राब हो जाएगा। एमडी से जला हुआ ऑयल में एमडी आती है, तो इसको अंदर सेट कर लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, हमारी सापट आ चुकी बाहर। अब इसका बैक कवर ये है जिसमें हमने बुश डाला है, इसमें भी हम बुश में ऑयल डाल देते हैं। इसका नब्दा किट भी गीला होना चाहिए। तो हमारा ऑयलिंग हो चुका है अच्छे से, इसके नब्दा किट को हमने भिगो दिया है। इसके वायरों को निकाल देते हैं। मेन वायर को भी देखिए दोस्तों, हमारी मोटर बैठ चुकी है। इसके सारे स्टेट लगा देते हैं। अच्छे से नटों को कसना है। दोस्तों हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है। अब इसके नटों को हम 8 नंबर की टी से टाइट कर देंगे, अच्छे से कसने हैं नटों को। ये देखिए दोस्तों, हमारे नट कस चुके हैं। अब हमें इस बुश के सेंटर में यहाँ पे टोर्च लगानी और चाकर को घुमाना है। ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर फ्री हो चुकी है।
देखिए दोस्त एकदम स्मूथ हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों हमारी मोटर एकदम अप टू डेट हो चुकी है। अब आपको इसको मैं तो दोस्तों हमने इसकी पत्ती को भी कस दिया है, इसको भी टाइट कर देते हैं 8 नंबर की टी से, अच्छे से नट को टाइट कर देते हैं। ये हो गई हमारी मोटर कंप्लीट सेट। अब इसमें हम जोड़ देते हैं कैपेसिटर के वायर को। तो दोस्तों हमने कैपेसिटर को चेक कर दिया है। ये देखिए दोस्तों हमारी वायरिंग टेप वगैरह लगा के अपडेट हो गई। अब इसको बैक कवर में चेक करते हैं। बैक कवर में चेक करने के लिए इसमें हॉल में से वायरों को निकाल देते हैं। इसके हॉल में से वायर को निकाल देते हैं। कैपेसिटर को साइड में सेट करके पत्ती का नट सेंटर मिला के नट कसना है। लीजिए दोस्तों हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है। अब इसको लाइट से चालू करके देखते हैं। पहले ये मोटर नहीं घूमती थी, इसका रोटर चिपक गया था अंदर। अब इसको अपन चेक करके देखते हैं। पहले टेस्ट लैंप से देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट देखेंगे। अर्थिंग चेक कर लेते हैं, अर्थ वगैरह ठीक है, बॉडी का अर्थ नहीं है। ये देखिए दोस्तों अब ये लैंप पर मोटर चलने वाली नहीं है, इसको हम अब डायरेक्ट लाइट लगाकर चलाएंगे। तो दोस्तों हमने वायरों को डायरेक्ट बोर्ड में लगा दिया है, अब देखते हैं चलती कि नहीं चलती। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मोटर एकदम अप टू डेट हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसा लगा? हमने आपको कुछ चेंज करने का पूरा प्रोसेस दिखाया दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।